जो मेरी मेहरबानी है। हाय हाय हाय, अलमाय शहादत, ला इलाहा इल्लल्लाह। चलो 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 चलो। ये देखो तरीका हमारा, तो गिलगित बल्तिस्तान में हम अपने जब मकान बनाते हैं तो इस तरह लकड़ियां ले जाते हैं कारखाने में। ये हम अपने ताकत के इस्तेमाल करते हुए ट्रैक्टर में लोड करते हैं। इस तरह मजबूत जवान हमारे पास मौजूद होते हैं, हर तरीके से ये हरबे इस्तेमाल करके ट्रैक्टर में लोड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक होंगे अल्लाह के फजल और करम से। तो नए दिन का शुरुआत नहीं मिलो के साथ, जैसा कि आप लोगों को भाई साकिब तैमूरी फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान नॉर्थ टू पाकिस्तान। दोस्तों आज फिर एक नए नए और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ आए हूँ। जैसा कि हमेशा की तरह मैं आपको दिखाता हूँ कि विलेज में हम जो काम यूनिक स्टाइल से करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको दिखाऊँ वीडियो के जरिए। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये जो जंगल आप देख रहे हो ये हमने खुद ही उगाया हुआ, ये मेरे चाचू का अपना जंगल है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने इन बड़े बड़े सफ़ेदों को काटा है, ये इसका तना है, यहाँ से वहाँ तक इसको काटा गया है। चेक कर सकते हो दोस्तों, इसको ना हिसाब किताब करके अगर इसके दरवाजे बनाने हैं तो उस हिसाब से काटा है। किसी को ना किसी को मतलब जिस हिसाब से उनको काम में लाना था उस हिसाब से इनकी कटाई हो गई है। ये चेक कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक काफ़ी लंबा है। ठीक है, जब गिलगित बल्तिस्तान में घर बनाते हैं ना दोस्तों, दरवाजे यहाँ वहाँ लकड़ी का जैसा भी इस्तेमाल हो फर्नीचर के, तो लोग अपने ही सफ़ेदे काटते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से काफ़ी सफ़ेदे काटे हुए हैं। ये ऐसा है दोस्तों, ये खुद ही मतलब इनको पहले शजरकारी के मौसम में लगाते हैं, 5-6 साल के बाद इनका साइज इतना होता है, फिर इनको कट ऑफ करते हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये कैसे लोड किए जाते हैं कारखाने में, कैसे लेके हैं, फिर उसको कैसे कटाई छटाई होती है सबकी। ये गिलगित बल्तिस्तान कॉटन चक्कर, ये अब्बास भाई को जोश चढ़ा है। इसका इलाज क्या है अब्बास भाई? मुशर्रफ भाई का? हाँ। कसम ये गलत बातें करता है, इसका क्या करना चाहिए अभी? दोस्तों आज वीडियो बनाने के चक्कर में यहाँ पे मैंने आप बहुत सारा काम किया। तो बहुत सारे भाइयों का जेल में ये ख्याल आ रहा होगा, यार ये लोग तो डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं। नहीं भाई, डिफोरेस्टेशन को कोई चक्कर नहीं, अभी हम इनको जब कट करते हैं उनके बाद शजरकारी का मौसम आता है, 2 महीने के बाद एक दरक के जगह हम 10 दरक प्लांट करते हैं शजरकारी के मौसम में। इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो वो सब भी हम आपको वीडियो में लाजमी शेयर करेंगे। दोस्तों ये मेरा खास दोस्त अब्बास पाशा है, 34 कत्ल किए हैं इसने। ठीक है, 34 कत्ल मुकम्मल हो गए। ये मुशर्रफ जी है,
बाकी ये अपना मुकम्मल तरखाना भी तक नहीं हुआ है, 8 साल इसने लगाया है, लेकिन तजुर्बेकार बंदा था इसलिए आज लकड़ियों का काम हमने इसको यहाँ पे बुलाया है। तो इसका तजुर्बे का हमारे हिसाब से इसको काम पे नहीं ला रहे हैं, क्योंकि इसका तजुर्बा हमारे काम में ही नहीं आ रहा है। अब बस पाशा क्या कहते हो, तो आप मुशर्रफ के बारे में क्या कहते हो? फजूल बंदा है, फजूल है। चलो 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 ये 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 फूल अल फतुल्ला बनता तू आपकी मकान के लिए सब कट रहे हैं जी बिल्कुल नहीं यार बहुत बड़ी मकान बना रहे होंगे हाँ बस ऐसा ही सोचा है अच्छा सही बात है सही बात है यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों एक एक इससे भी नीचे लेयर लगी हुई है ये दूसरी है ये तीसरी है जहांगीर भाई जाओ ना हाथ लगाओ लाओ 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 दोस्तों हजार हजार की शर्त लगी है आप शर्त हार चुके हैं आप हार गए शर्त उठाओ व्हाट इज दिस अपन तो एक एस्थेटिक शॉट बना रहा था लेकिन यहाँ पे ये क्या चीज मिल गई अपन को आप किसी आवास भाई देखो दोस्तों हैं इसके जो मेरी मेहरबानी है हाय 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 आपकी जवानी है मेरी जवानी है दिया स्टेप वन कंप्लीट हो गए ऊपर चढ़ाने थे सारे फट्टे हमने चढ़ाए हैं अभी अख्तर भाई इसके ऊपर डोरी बांध देंगे सही से इसको कस के बांध देंगे फिर उसको डायरेक्ट कारखाना पहुंचाएंगे हमारे अख्तर भाई जबरदस्त यार आवाज किसके साथ बात कर रहे हो किसके साथ बात कर रहे हो गर्लफ्रेंड है आपकी नहीं कर यार ना कर रहे सच में आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है यार ये देखो दोस्तों आवास अभी वहाँ गया अपनी लड़की को कॉल कर रहा है गर्लफ्रेंड को शायद गर्लफ्रेंड है उसकी कंफर्म बात है वो देखो अभी यहाँ पे हमने उसको डिस्टर्ब किया तो वो वहाँ जाके अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल लगा रहा है हूं ना थे यहाँ कॉल अटेंड नहीं कर रही है वो ये मुशर्रफ भाई हमारे बता रहे कि उसके साथ दो लड़कियाँ सेट हैं चलो ठीक है हमारे साथ तो एक भी नहीं अलहमद हमारा जहांगीर भाई बहुत ही अच्छा भाई है मेरा दोस्त है मेरी सारी वीडियोस को लाइक करता है सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल कमेंट तो लाजमी करता है आज सुबह सुबह मैंने इसको थैंक यू कहा है इतना ज्यादा सपोर्ट करने के लिए ट्रैक्टर फंस गई है वहाँ पे ट्रैक्टर फंस गई है Ah!
दोस्तों मैं और मुशरफ पाशा ने काम सारा खत्म कर दिया। ये आखिरी लोड था ट्रैक्टर का। हम अभी जा रहे हैं खाना खाने।